सो गाइस, आज हम खाने वाले मम्मी के हाथ के बने हुए मूली के पराठे, जो कि हमें बहुत ही पसंद हैं। और ये मम्मी ने मूली को तो कद्दूकस कर लिया था, फिर उसे अच्छे से अभी निचोड़ रहे, थोड़ा नमक डाल दिया था। निचोड़ती हैं, पानी रहने देती हूँ मैं। डबल परांठे में बनाती हूँ ना, पानी निचोड़ दो, साथ निकल जाता है ना कि जब पानी। हाँ, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं और इस पानी का आटा गूंद लेंगे तो वो भी मूली का पराठा बन जाएगा एक तरीके से, क्योंकि उसमें भी इसका जो असर होता है ना, मूली का उसमें आ जाता है। तो ये पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो जब मूली को हमने कद्दूकस किया तो उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि उसका पानी थोड़ा अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए, मम्मी ने मूली में से वो निचोड़ दिया है पानी को, और साथ में उन्होंने थोड़ा धनिया भी डाल दिया है, और अभी उसमें थोड़ी सी काट के मिर्ची भी डालेंगे। तो ये देखिए, मम्मी ने इसमें मिर्ची काट के भी डाल दी है, थोड़ी सी हरी मिर्ची। तो देखिए, हम अभी आटा गूंदने वाले हैं। हमने आटा लिया है 1 कप, और उसमें डालते हैं हम थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमें बैटर में भी मिलाना है, तो जस्ट थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे। और तो ये देखिए, जो हमारा लेफ्ट ओवर वाटर था मूली का, उससे हम आटा गूंदने वाले हैं। सो अच्छे से इसको मल के, अगर थोड़ा सा हमें और पानी की ज़रूरत है तो हम नॉर्मल पानी ले लेंगे। इसी प्लेट में हमने पानी रख लिया है, तो उस पानी से हम इसका आटा गूंद लेते हैं। सो देखिए, ये आटा तो गूंद गया है। नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं और पराठा बनाते हैं, इसी तरीके से हमने आटा गूंदा है। अब ये मूली का पराठा बनाएंगे मस्त एकदम, और मम्मी के हाथ का पराठा नो कंपैरिजन। अभी इसमें थोड़ी सी मूली लेते हैं। अगर हम सारी मूली में नमक डालेंगे ना तो वो फिर से पानी छोड़ देगी, तो इसीलिए हम मूली डालते हैं, अलग से लेते हैं एक पोर्शन इमीडिएट बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। गाइस, हम पंजाबी है, फिर भी हम बहुत ज्यादा मसाले खाना पसंद नहीं करते। सिर्फ नमक और मिर्ची, हरी मिर्ची हमने काटी है, तो इसको भी देख के थोड़ा नॉर्मल मिर्ची डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी मूली की स्टफिंग रेडी हो गई है। सो सबसे पहले हम 2 पेड़े लेते हैं और उनकी लोइयां बनाएंगे, और उसके बाद उसको हल्का हल्का बेल लेंगे। सो मम्मी को एकदम देखते हैं कि दोनों बराबर पर हुए हैं, और फिर उसके बाद ही उसमें स्टफिंग डालते हैं ताकि मूली बाहर ना आए। ये देखिए, बहुत सारी स्टफिंग है, थोड़ी सी स्टफिंग नहीं, बहुत सारी स्टफिंग डाली जाती है इसमें। और ये एक स्पेशल चीज है जो हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आटा डालते हैं, ड्राई आटा जो हमने रोटी बनाई थी छोटी वाली, उसके ऊपर रख के उसे इस तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपका देते हैं, और फिर वापस हम इसको बेल लेते हैं हल्का हल्का लाइट हाथों से। पानी भी कम नहीं छोड़ते हैं कि डबल रोटी बनानी, तो पानी भी कम नहीं छोड़ते कि पानी इसमें रहे रोटी में है। फिर से बोलिए, पानी भी ना कम डालते हैं, ये पानी भी कम नहीं छोड़ते हैं कि डबल रोटी बनाओ तो इसका असर मूली का जो है पानी भी इसी में रहे, कम पानी में छोड़ते हैं डबल रोटी बनाती है तो। हाँ, सिंगल में फट जाती है रोटी, टूट जाती है। हाँ, तो मम्मी का कहना है कि सिंगल में रोटी टूट जाती है, लेकिन कुछ लोगों की डबल रोटी जो बनती है ना, आप देखिए उसमें ना साइडों में देखिए स्टफिंग नहीं आती है, लेकिन इसमें देखिए स्टफिंग सारी साइडों में आ रखी है। और दूसरा, हमने इस आटे में थोड़ा नमक और मिर्ची डाला था और मूली के पानी से हमने इसको गूंदा है, तो आप देखिए इसमें पूरा का पूरा नॉर्मल टेक्सचर आ जाएगा, तो फीका नहीं लगेगा। तो देखिए, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और फिर उसके बाद इस रोटी को रखते हैं, कहीं से भी रोटी फटी नहीं है। तो देखिए, एक तरफ से पक गया, हमने पलट दिया है और वो हमारा वीडियो में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ये पराठा, और अब हम इसके ऊपर इस तरफ थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। हम तो घी खाते हैं, आप अगर ऑयल खाते हैं तो आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जगह सरसों के तेल के पराठे भी खाए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा ही घी लगा रहे हैं।
देखिए हमने हाफ स्पून से भी कम घी लगाया इसमें, थोड़ा थोड़ा लेकर। अब हम इसे वापस फ्लिप कर देंगे। हम देखिए ये लो गैस पे बना रहे हैं, मम्मी तब तक दूसरे पराठे बेल रहे हैं। हमें याद है हमें एक बार आपको मम्मी के हाथ की राजमा की रेसिपी भी भेजनी है, तो वो भी हम आपको भेजेंगे बनाकर। ये देखिए कितना ही सुंदर पराठा बना है, बिल्कुल कहीं से फटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, मूली का पराठा और जिसमें से पानी भी हमने कम नहीं छोड़ा हुआ है। बस रेडी है, इसको थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी करते हैं। इतने ही क्रिस्पी करते हो? हो गया या थोड़ा और क्रिस्पी करना है? हो गया, ठीक है। चलिए मम्मी कह रहे हैं हो गया, तो हम इसे उतार लेते हैं और उसके साथ दूसरा पराठा डालते हैं। सो गाइस देखिए मैं आपको यह पराठा खोल के दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग देखिए आप, एकदम गरम पराठा है और स्टफिंग देखिए बिल्कुल बाहर तक है। सो इसके कॉर्नर्स भी ऐसा नहीं है कि हमें टेस्ट नहीं लगेंगे। सो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये पराठा। अभी हम इसको सर्व करते हैं। सो गाइस देखिए हमारा मूली का पराठा गर्मा गर्म रेडी है और इसके ऊपर हम लगाते हैं देसी घी। ये देखिए आप बटर भी लगा सकते हैं, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। तो देसी घी हमारा घर का निकला हुआ है तो हम उसी को यूज़ करते हैं। देखिए तो देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है हमारा मूली का पराठा। सबसे पहले ये मूली का पराठा हम सर्व करते हैं अपने हस्बैंड को, तरुण जी को। सो मोनू जी आप हमेशा ही लगे रहते हैं लैपटॉप में, यही काम है हमारा, क्या करें। तो इनका बताऊं मैं, ये जो है जी टीवी में काम करते हैं। लो जी प्रसाद, जी टीवी में क्या करते हैं? मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। वाओ, और आपका काम क्या है? शोज को हैंडल करना, जो लोगों को पसंद है वो उनको दिखाना, जो उनको नहीं पसंद है वो वहां से हटाना। वेरी नाइस। सो गाइस आप हमें कमेंट करके बताइए जी टीवी के कौन से शोज आपको अच्छे लगते हैं और उसमें कुछ फीडबैक्स हैं तो वो बताइए, ताकि ये अपने फीडबैक आपके फीडबैक्स को लेकर आगे अपने ऑफिस में भेजें। हाँ जरूर, फीडबैक सिस्टम है हमारे ऑफिस में, आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं और उस ईमेल आईडी पर भी डाल सकते हैं। करेक्ट। सो लीजिए फिर आप मूली का पराठा, बताइए हमें टेस्ट करके कैसा है। वाओ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मम्मी ने बनाया। अरे मैं कहता हूँ कमाल कर दिया माता जी ने, दही से खाना। हाँ जिसके साथ आप खाना चाहिए, अचार दूँ? नहीं, पराठा बहुत टेस्टी बना होगा, अचार की जरूरत नहीं है उसके साथ। पता है पराठे तो हम पंजाबियों के फेवरेट हैं वैसे भी। वेरी टेस्टी। कैसा लगा? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। चलो एक बाइट हम भी खा के देखें इसकी, हमें भी खिलाइए। अब आपने दही लेना है? नहीं हम बिना दही के खाते हैं। लहसुन के पराठे के बाद हमें जो पराठा पसंद है वो है मूली का और फिर अनियन का, मज़ेदार। वेरी टेस्टी। थैंक यू माता जी, थैंक यू बीबी जी, वेलकम। सो गाइज हम ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं, आज हमें बहुत ठंड लग रही है तो हमने भी जैकेट पहनी है। तो यही था आज का मूली के परांठे का वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में ज़रूर बनाएं। सुबह सुबह ठंड के मौसम में सारे परांठे अच्छे लगते हैं, मूली का परांठा, मूली आती है सर्दियों में तो वो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई करें। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।